उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इस भेड़िये ने एक बार फिर हमला करते हुए 7 साल के बच्चे को घायल कर दिया है, साथ ही गांव के एक और शख्स पर भी हमला किया है। भेड़िये ने अचानक हमला करते हुए बच्चे के गले पर पंजा मारा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जान ना पान किधर से आया है, ओ आओ पकड़ ली नट्टी, जब पकड़ा तब हम दुई हाथ जिसे मारे तैसे छोड़ा नहीं, तब चिल्लाने हम तब छोड़ के भागा है। तो छोड़ के भागा। आप बताएं, एक और बच्चा भी आपका था, वो भी सो रहा था साथ में? हाँ वो सो, छोट है इससे, उसके ऊपर हमला नहीं किया। तो क्या इसको दांत इसके मुंह में डाल, इसके पकड़ लिया था क्या? मुझे पकड़े रहा ऐसा पकड़े रहा, तो शोर मचा जाता तब भागा। हाँ। भागा कैसे वो? भागा जब सबको चिल्लान है तब भागा। अच्छा, क्या जानवर था, कौन सा जानवर था? अब जानवर छोटा सा रहा, मैंने मुँह लंबा रहा है और खोपड़ी बड़ी रहा है और छोटे छोटे बार रहे गर्दन में। अच्छा, मुँह के लंबा लंबा रहा। सियार था क्या? हाँ हाँ रहा है भेड़िया, सियार का नोट डायरी भेड़िया था। रंग वंग देख पाई किस रंग का था? हाँ मैल मैल है, मलछो मलछो। अच्छा मैले मैले रंग। तो अभी डॉक्टर ने क्या बताया बच्चे को? हमको पता ना है, रात में अभी आएंगे डॉक्टर, अभी तो ना आया है। कितने बजे की घटना है? 1:30 बजे का, रात में लेटे हुए थे, भेड़िया ने आके पकड़ लिया, रात के 1:30 बज रहे थे, फिर सारे ने चिल्लाया, फिर हम भी उठे, फिर भेड़िया ने छोड़ के भाग गया। आप लोगों ने दौड़ाया नहीं क्या भेड़िया को? दौड़ाया, फिर वो गन्ने में जाके चला गया रात को। क्या भेड़िया था या सियार था ये? भेड़िया ही था। सियार तो नहीं था? सियार नहीं था, उसका पंजा भी बना हुआ है घर पे। 4 बजे भोर में हमको जानवर ने पकड़ा, हम बैठे रहे पलका पर, बाथरूम करके आए हम, और वो दरवाजा तो नहीं खुला रहा है, वो ऐसे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब तो उसका जबड़ा जब हमारे हाथ में आया पकड़ के, जब दाबे हम तब तो उसने छोड़ा है। 2 मिनट तक उसको हम पकड़े रहे हैं। चेहरे पे उसने नाखून नहीं मारा? नहीं नहीं, उसे उनका मौका नहीं दिया मारने के लिए, जब मुँह बिछौना पर हमरे रहे वो सर। तो गले पे ये क्या उसने काटा या पंजा? नहीं ये दांत लगा इधर से, ऐसे पकड़ा था, अस नहीं पकड़ा था, इससे पकड़ा था। अच्छा जी, क्या जानवर था, कौन सा जानवर था? वो सियार मेरे के रंग रहे, अब मूछ है ज्यादा लंबा, ऊंचा था और उससे लंबा था। हाँ सियार से ऊंचा, मैंने साफ देखे हैं। आजकल जैसे गांव में अपुआ कर ली भेड़िया, तो क्या भेड़िया जीता या? अब भेड़िया तो ना वो नहीं लगता है। अच्छा, नट्टी वट्टी के कैसा? नट्टी का पतला था, नट्टी का पतला, सियार नहीं था? सियार नहीं था। सियार का आप देखा कौन गवार थोड़ो अंत सियार थोड़ो है? यानी कि आप जानवर पहचान नहीं पाए? जानो तो पहचान गए, उनकी आयो चाहे वो जैसे कुत्ता तो पकड़ ली से हमारे गांव में खा ली से। अच्छा, परसों के दिन। लेकिन नाम नहीं जानते जानवर? अब जान और नाम तो नहीं देखा है। जाना तो सो रहे थे आप? नहीं बैठ रहे थे, ऐसे बैठे थे, बैठे थे ऐसे जी। तो खुले में बैठे थे? खुले नहीं, जैसे दरवाजा ऐसे है, बाथरूम करके आया, दरवाजा खोल करके बैठे रहे। फिर जब आपने उसको किया तो वो भागा कैसे, क्या शोर मचाया परिवार के और लोग? हमारे बड़े छोबा एक लड़का था तो छत पर रहे और हम कमरा में रहे, तो हम बाथरूम करके निकले हम, और थोड़ा जैसे सुबह के टाइम में कोई शंका तो रात नहीं है, लेकिन जब हम बाथरूम करे गए तो हमको लगा था कि अगल बगल में रहे वो, और जैसे हम पलका पर बैठे हैं तैसे वो झपटा हमारे पर नट्टन पर गिराए गए हैं। आपके भी गाँव के आसपास कभी भेड़िया का हमला हुआ है? हाँ बहुत हुआ है, एक लड़का को और पकड़े। तो क्या ये भेड़िया हो सकता है? अब साहब जैसे उतर के मौके पर कुछ जानते रहा था। हाँ आप समझ नहीं पाए? समझ नहीं पाया, जैसे वही समय में आदमी हड़बड़ा जाता है। ठीक जी, सही बात। उनका हम पकड़े ना हो तो मुँह अगर हमारे हाथ में ना हो तो मार डालता हमको, कितनी ताकत लगाए वो हमका पकड़े रहा है। अभी क्या कैसी स्थिति? अभी तकियत का जैसे हम बोले थे तो यहाँ पर दर्द होता है। डॉक्टर क्या बोले अभी? डॉक्टर दवा देने। आपको बता दें कि बहराइच में भेड़िये द्वारा अब तक 8 लोगों के मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, वही 2 भेड़िये बचे हैं जिन्हें पकड़ने के लिए खोज अभियान जारी है और हर तरफ पैरी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में बहराइच डिवीजन के 1 CO अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारी पूरी टीम DFO सर के गाइडेंस में सारी टीम यहाँ उपस्थित होने वाली है, और ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा।
तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से, पूरी टीम लगी हुई है, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। साथ में और भी ये आप तो फॉरेस्ट से, उसके अलावा मुझे लगता है पुलिस की टीम, सब लोग, पुलिस का सहयोग तो बहुत अच्छा रहा है, ये हमारी पूरी टीम पुलिस की ही है, ये हमारे फॉरेस्ट के साथ ही है, सारे लोग लगे हुए हैं। गौरतलब है कि भेड़ियों से बचाव और उन्हें पकड़ने के लिए पीएसी के 200 जवान, राजस्व विभाग की 32 और वन विभाग की 25 टीमें लगाई गई हैं। टीमों द्वारा हर संभव कवायद की जा रही है, लेकिन दोनों भेड़ियों के चकमे के आगे सभी कवायदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।